हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हाइट इंक्रीज अफर्मेशन वीडियो। आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे एंड मेरे सब्सक्राइबर के भी कि दी प्लीज़ हाइट इंक्रीज पर एक वीडियो बनाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ही पूरा करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हाइट इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जितनी भी हाइट चाहिए अपनी डिज़ायर हाइट, सबसे पहले आपको उसे क्लियर कर लेना है कि आपको एग्जैक्ट हाइट कितना चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी की हाइट जो है 5.2 इंचेस है और उसे अपनी हाइट को 5.9 इंचेस, 10 इंचेस ऐसा कुछ करना है, जो भी है अपनी डिज़ायर हाइट। तो सबको पता है आपको कितना चाहिए, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपको अपनी जितनी भी जो डिज़ायर हाइट है उसको पहले आपको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि पेन कागज़ पर लिखोगे तभी यूनिवर्स भरोसा करेंगे आप पर, या आप जा कर के मेडिटेशन करोगे, या जो है किसी मोबाइल में टैप करके उसको सुनोगे तभी ऐसा वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से बोल रहे हैं ना, या आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं, यानी आप खुद को बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। तो बिल्कुल आपको खुद को माइंड में रखना है कि आपको कितनी हाइट चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। तो अगर आपकी हाइट मान लो अभी 4.9 इंचेस है या फिर 10 इंचेस, अगर आपको चाहिए जो है हाइट, आपको डिज़ायर हाइट चाहिए 5.9 इंचेस है या फिर 6.2 इंचेस है, ऐसा कुछ है, मान लो आपको जितनी भी हाइट चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स को बोलना है, है ना, आपको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 6.2 इंचेस हो गई है। एंड अगर आपको इस पर बिलीव नहीं होता कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मेरी हाइट तो है नहीं अभी, है ना, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी हम अभी मेरी जो हाइट है 5 फीट 2 इंच है, लेकिन मैं जब विजुलाइज़ करता हूँ या फिर एक्ट एज इफ करता हूँ, जैसे मेरी हाइट जो है 6.2 इंचेस है या 6.5 इंचेस है, तब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती है, माइंड जो है कि मेरी हाइट तो अभी है नहीं, तो इसलिए विजुलाइज एंड फीलिंग उस टाइम मेरे अंदर आ नहीं पाती है, मैं कर नहीं पाता। तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है, बिल्कुल आप ध्यान से देखना। तो आपको अगर फील नहीं होता है, विजुलाइज़ करते हो तो आपका माइंड नहीं मानता है, इस बात से एग्री नहीं होता है, तो आप इसके लिए दूसरा टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और वो टेक्निक ये है कि आपको क्या करना है, अगर आप एक्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी हाइट ऑलरेडी है, अगर आपके आपसे नहीं हो रहा है, आपका माइंड नहीं मान रहा है कि इतना हाइट आपका है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे देखो, आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लेना है। जैसे अगर आपको हाइट जो है किसी का 5 फीट 2 इंच है और उसको चाहिए 5 फीट 10 इंच हाइट चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना है, जनरली जिस भी दिन मतलब सुबह उठते हो, सुबह का डेली रूटीन होता है, इधर उधर जो भी है घूमने फिरने जाते हो या वर्क करते हो, कुछ भी करते हो आप, तो आप बिल्कुल क्या करना है, आपको किसी फ्रेंड है, कहीं घूम फिर रहे हो, कहीं चल रहे हो, कहीं पर जा खड़े हो रहे हो, यानी कुछ भी, तो आपको क्या करना है, ऐसा विजुलाइज़ करना है कि मेरी जो हाइट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, वर्तमान में ले लेना है, प्रेजेंट में ले लेना है कि मेरी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ग्रो हो रही है धीरे धीरे, मतलब दिन ब दिन मैं बड़ी हो रही हूँ, हो रहा हूँ, जो भी है फीमेल मेल जो भी है अपना, आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ, बाकी आप खुद ही थोड़ा वीडियो को एक बार समझ आए तो दो बार भी देख सकते हो आप। तो इस तरह से मैं क्लियरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसा, अगर आपको ऑलरेडी हूँ ऐसा काम नहीं कर रहा आपका माइंडसेट, तो बिल्कुल आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरी हाइट जो है ग्रो हो रही है धीरे धीरे एंड बढ़ रही है, मैं दिन ब दिन हाइटेड हो रहा हूँ इस तरह से, तो आप किसी फ्रेंड होंगे, आपके फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी ऐसा कुछ है, तो भी आप उनसे जो है कंपेयर कर सकते हो। जैसे उनके सामने जाकर खड़े होते हो, मिरर के सामने आप जाकर के खड़े होते हो, तो इस तरह से आप वहाँ पर इस चीज़ को लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह या फिर रात को सोने से पहले, ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपको जितना टाइम भी अच्छा लगता है, जितना टाइम भी समय मिलता है या फिर जो भी है, तो आप उस टाइम पर अपने आप को ऐसा फील
करा सकते हो कि मेरी जो हाइट है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से जिन लोगों को नहीं होता है, मान लो जिन लोगों से एक्ट एज ए विजुलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, उस कंडीशन में आप इसको प्रेजेंट टेंस में इस चीज़ को ले सकते हो कि मेरी जो हाइट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है इसको। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट में तो आपने इसको सीख लिया, सेकेंड में तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, जैसे आप यूनिवर्स को करें या फिर अपने भगवान को करें, किसी को भी, लेकिन इतना तो ज़रूर करें कि अपनी बॉडी है उसको एक्सेप्ट करें कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी है, आपकी जितनी भी हाइट है उसको एक्सेप्ट करें कि मैं इतने में ही भी अच्छा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो भी अच्छा है और ना मिले तो भी अच्छा है, लेकिन मैं तो हर तरह से परफेक्ट हूँ, बस इतना जानता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने आप को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ऐसा नहीं है कि अभी जो बॉडी है आप उसको नकार दें या फिर उसको इग्नोर करें कि मेरी जो हाइट है वो अच्छी नहीं है और जो हाइट आएगी वो अच्छी है, तो ऐसा आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपने बॉडी को प्यार करना है, खुद से सेल्फ लव करना है ना, आपको मिरर के सामने देखकर करो या ऐसे ही बैठे बैठे लेटे कुछ भी करते करो, लेकिन आपको खुद से प्यार करना तो कभी भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो सारी दुनिया में कोई लोग आपकी तारीफ़ करे ना करे, लेकिन आप जब आईने के सामने जाते हो या कभी भी, तो आप खुद की तारीफ़ तो करते ही हो और खुद से ज़्यादा आपको कोई भी प्यार नहीं करना चाहिए, याद रखना। तो जब आप मुसीबत में रहते हो, कुछ भी रहते हो, तो आपका साथ कोई दे ना दे, आप खुद ही अपना साथ देते हो। तो एक अंदर से एक आत्मा है, या यूँ कहें कि एक शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारे साथ होती है। तो आप किसी भी कंडीशन में, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कभी कभी आप देखना कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से खुद ही आप उस चीज़ से जो है सामना कर सकते हो, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप यूं ही बच जाते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर बहुत बड़ी मुसीबत से आप एक आपके अंदर एक सुपर पावर आ गया है जिससे आप बच गए हो, या फिर आपकी कोई मदद कर रहा है। तो इस तरह से आपके अंदर भी वो ब्रह्मांड की शक्ति है जो इस समस्त ब्रह्मांड में है, एनर्जी जो सबके साथ कनेक्ट है वो आपके अंदर भी है। तो आप जिस तरह के वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजते हो, ब्रह्मांड में भेजते हो, हर एक चीज़ में एक वाइब्रेशन है, और आप जिस तरह से वाइब्रेशन बाहर भेजोगे उसी तरह के वाइब्रेशन आपसे कनेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को हमेशा याद रखना कि हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ों में वाइब्रेशन होती है। तो बिल्कुल अपनी थिंग्स पर आपको गौर करना है, आइंदा से आप जब भी उठें या फिर किसी भी काम को करें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मेरे मन में क्या चल रहा है अभी, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, हालांकि सभी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का याद रखना, एक चीज़ को बस याद रखना आप सब लोग, कि आपको अगर क्या चीज़ चाहिए बस उसको याद रखना। जैसे किसी को मनी प्रॉब्लम होता है, उनको धन को अट्रैक्ट करना है, किसी को हाइट को, किसी के वेट को कम करना है या बढ़ाना है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को हेयर प्रॉब्लम, तो इस तरह से आप बिल्कुल उस चीज़ पर फोकस करना, उस चीज़ को ध्यान देना। जैसे किसी का हेयर जो है बहुत कम है, ठीक है, बहुत तेज़ी से झड़ने लग गया है, बहुत कम है, या बहुत छोटे हैं जो बढ़ नहीं रहे, बहुत दिन हो गए, तो इस तरह से अगर आप बस उसको, मेरे जो बाल हैं वो टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा अगर इस चीज़ को बोलते रहोगे तो वो चीज़ आपके साथ होती रहेंगी। तो आपको इस चीज़ को सीधा, जैसे एक कैंची होता है ना वो कागज़ को काटता है, ठीक उसी प्रकार आपको इस थिंग को काट देना है पूरी तरह से, और आपको उस जगह पर नए चीज़ों को बदलाव में लाना है। जैसे जिस तरह से आप बोलते हो ना, बस अपने बोलने के तरीकों को खुद से सेल्फ टॉक करते हो, जैसे बातें करते हो, उस चीज़ को बस बदलना है। मतलब जिस तरह से आप बोलते हो ना कि मेरे हेयर बढ़ नहीं रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप उसकी जगह में बोलो, मिरर में देखकर बोलो, या ऐसे ही बोलो, या तेल लगाते हो तब बोलो, या शैम्पू करते हो तब, लेकिन आपको बोलना है कि मेरे जो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जैसे साइड में लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घने हो रहे हैं। तो इस तरह के अफर्मेशन आप अगर खुद से देंगे तो बिल्कुल आपके साथ ये चीज़ें काम करेंगी। एंड उसके बाद आपको लेट गो कर देना है, सिंपली सब मतलब यूनिवर्स पर छोड़ देना है कि मेरी जो हाइट है या विश है या मतलब हेयर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, बिल्कुल यूनिवर्स पूरा करेंगे, मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, एंड जो भी करेंगे यूनिवर्स मेरे साथ करेंगे, एंड मेरी सारी विशेष तो बस वही देख रहे हैं, मुझे किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है, एंड खुद से बिलीव करना या और यूनिवर्स से बिलीव करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। तो इस तरह से मैं आपको
शॉर्ट में एंड सिंपली सा समझाने की कोशिश करती हूँ, एंड कहीं पर मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड आपको किस किस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको आप ज़रूर बताना। जिस तरह से आपने मुझे हाइट इंक्रीज अफर्मेशन का वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक उसी प्रकार आप अलग अलग कमेंट जो है दे सकते हो कि शादी के लिए है कि मनी अफर्मेशन ऐसा कुछ भी है तो आप बिल्कुल देना। एंड अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं आपके सक्सेस स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगी ताकि सबको पता चले कि आपकी जो विशेष है पूरी हुई है, ठीक उसी प्रकार सभी की विशेष पूरी हो सकती है। तो आप बिल्कुल सबका मोटिवेशन बढ़ाएं, सबकी सहानुभूति जो है बनाए रखें। तो इस तरह से आपको कमेंट करना है, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके जानने पहचाने वाले लोग हैं या फिर जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो भी जान पाएँ एंड अपनी लाइफ में दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएँ। एंड एक बहुत ही बड़ी जो है एक और बात कहनी थी मुझे लास्ट में आप सबसे, कि बहुत से लोग मुझे लाइव आने के लिए बोल रहे थे लेकिन मैं अभी लाइव नहीं आ सकती जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिए। ओके बाय।